14.06 का एवरेज चाहिए, मुकाबला 6-0 का एवरेज चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए ईस्टर्न ब्लू टीम को। ये आस्किंग रन रेट यहाँ पर मायने नहीं रखता है, और एकाद ओवर 24-30 रनों का आ जाए तो मैच में तो मजा आ जाएगा जरूर। और जिस तरह से मैदान की खासियत है, एक बार गेंद लगना शुरू हो जाते है भाई तो गेंद बाहर जाकर ही दम लेती है, क्योंकि गेंद भी जानते हैं मैदान के भीतर पसीना छूटता है, कहाँ कहाँ से छूटता है ये खिलाड़ियों को ही पता होगा। निश्चित रूप से जब छठा ओवर जब तक शुरू होता है, कमेंट्री कक्षा में बदलाव करते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ मेरे और एक होनार कमेंटेटर चिराग को, और इस इनिंग से मैं जय भोसले विदा लेता हूँ। धन्यवाद मनोरंजन जी। तो ये है मैच में एक बदलाव, और यही होना चाहिए था, क्योंकि जो दर्शक आए हैं यही सोच रहे हैं कि उनको एक अच्छा मैच देखने को मिले। और जब आप बड़े स्कोर का जब आप पीछा करते हो तो जब भी बल्लेबाजी के लिए कोई बल्लेबाज आता है तो छोटा छोटा टारगेट अगर आपके माइंड में आप सेट करके चलो तो ये बड़ा टारगेट आपको बड़ा नहीं लगता है, और यही करना होगा आप ये बल्लेबाजों को, क्योंकि आधी टीम लौट चुकी है यहाँ पे पवेलियन। तो अब यहां से मैच में वापसी करनी होगी। अब गेंदबाजी में बदलाव, नए गेंदबाज, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर थी, वहां पे फील्डर है थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, एक रन ही मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो ये छोटा ग्राउंड में गेंद जब आती है डबल्स लेना इतना आसान नहीं होता। एक रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 58 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये छठा ओवर आप देख रहे हो यूपीएल 2016 का ये भव्य दिव्य आयोजन, ये एशिया का सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है, और आप देख रहे हैं हमारे सभी कमेंटेटर फ्रेंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक हैं, सब स्कोरर हैं, अंपायर से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी हैं, और बहुत ही काफ़ी कष्ट उठा रहे हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है तो बात बनेगी। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे रिवर्स खेलने की कोशिश करते हो सकता है, देखना है, ये खराब ओवरथ्रो, लेकिन अब अंपायर कहेंगे बाइक के रूप में एक शॉट में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन 59 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी ₹130 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, तो 59 रन इस बार ये पटकी गेंद, और गेंद को भी पटक दिया, 6 रन। तो ये यहाँ पे कांटे की टक्कर जरूर, जैसे हम सबको मालूम है न्यूटन का तीसरा लॉ बताया था, तो एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, गेंद आप तेज करोगे उतना ही तेज हम मारेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से ये देखिए बैक टू बैक 6 रन। इस गेंद में 59 रन, अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो ईस्टर्न ब्लू के लिए यह कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि अब तक लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी, प्रेशर को ऊपर बढ़ने नहीं दिया, प्रेशर को नीचा करते हुए अब यहां पे मैच में बदलाव यही चाहिए था, क्योंकि यहां पे सिक्सर लगेंगे तो मैच में रोमांच बढ़ेगा, जो दोनों ही टीम के यहां पर समर्थक है काफी खुश, और आवाज बढ़ती हुई। इस बार बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा तेज कर लिया, इस बार अनिल बाने के हाथों में गेंद जाएगी, वहां से फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक रन का इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए स्कोर पहुंचा 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 58 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, मैच काफी रोमांचकारी, 25 गेंदों का खेल बाकी, 58 रन अभी भी चाहिए। अगली गेंद, फिर से गेंदबाज तैयार, इस बार बहुत ही तेज कर दी, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद 12 के औसत से 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी चाहिए 4 ओवर में अगर औसत देखा जाए तो 14.50 के औसत से अभी भी 58 रन चाहिए, तो मैच अब तक मैं कहूंगा बैलेंसिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं यहां पे 50-50 मैच अभी भी है, कौन सी टीम यहां से जीत को हासिल कर देगी, क्योंकि जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। चलेंगे सुमधुर संगीत की ओर, डीजे
धन्यवाद विजय। अब गेंदबाजी में बदलाव, अनिल बाने के हाथों में गेंद, अब आएगी 24 गेंदें और 58 रनों की जरूरत। ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, देखना है आज ये बाएं हाथ के गेंदबाज है, अच्छा नाम है इनका भी, देखना क्या किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने आप देख रहे जो बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजी करते हुए, आज खोल के बल्लेबाजी करने बिल्कुल आजाद है, आज बल्लेबाजी के लिए प्रेशर नहीं है क्योंकि मैच को जिताना है, यही इनके जहन में चलता हुआ और यही बल्लेबाजी करनी होगी। 24 गेंदे 58 रन, मैच अभी भी 50-50। तो अब अनिल बाने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही बड़ी गेंद, ये घुमाने के लिए काफी फेमस है। और अब चाहिए 23 गेंदे 58 रन, जैसे डॉट गेंद आएगी प्रेशर बढ़ेगा, आस्किंग रन रेट भी बढ़ेगा। ये देखिए इन्होंने आजाद को आउट कर दिया और आजाद कर दिया क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब जो नया बल्लेबाज आएगा उस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया। ये देखिए प्रीमियर लीग में लगता हुआ ये सिक्स है। बहुत ही बढ़िया, यहां पे एक वापसी, दो गेंदों में गेंदबाज ने हावी कर दिया था गेंद को, अब बल्लेबाज अब बल्ले को हावी करते हुए तीसरे गेंद से अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। तो ये गेंद घुमाने में काफी अनुभव रखते हैं, जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं तो, सीमित विकेट पे और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, कॉन्क्रीट पिच में हर बार ये प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अगर देखा जाए महाराष्ट्र के काफी जाने माने खिलाड़ियों में से इनका नाम आता है अनिल बाने, और आप देख रहे कीपर राकेश प्रभु, ये भी काफी बड़े खिलाड़ी। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया। तो ये गेंदबाजों का अब बोलबाला है, एक सिक्सर खाया, एक विकेट लिया, अच्छा ओवर घटा, ओवर की समाप्ति 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 ओवर में 52 रन। अगर आस्किंग रेट पूछा जाए 70.33 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन हम यहां जरूर एक अपॉर्चुनिटी देंगे डीजे को। डीजे धन्यवाद डीजे। अब और एक बदलाव गेंदबाजी में, अब गेंदबाजी के लिए आ रहे विशाल, देखना है विशाल किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और ये पहली गेंद डॉट कर दी, तो अब चाहिए 17 और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक रन जरूर चुराया, दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, देख रहा दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही रन पे संतुष्ट रहना होगा। अब स्कोर बोर्ड पे लगे 79 6 विकेट के नुकसान पे, अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। फिर से गेंदबाज,
विशाल अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, एक रन जरूर मिलेगा, देखना है दूसरे के लिए दौड़ते हैं नहीं, एक रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पे अब लगते हुए 80 रन, अभी भी 50 रनों की जरूरत और गेंदे शेष है उनके पास। पंद्रह गेंदे और 50 रन, मैच अभी भी अच्छी स्थितियों में, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, 14 गेंदे 50 रन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अब यहां पे देखना है गेंदबाज मिशन कर रहा है, कभी स्लो कर रहा है कभी तेज कर रहा है, यही इनकी काबिलियत है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये। विशाल इस बार फिर से गेंद को घुमाया, बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पे आ रही है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विशाल की। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, 13 गेंदे 50 रन, अब मुझे लगता है ये ग्लोव्स को निकाल दिया है, गया है, थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, देखना है अब 50 रन अभी भी चाहिए, 13 गेंदों में 50 रन, मैच एक अच्छी स्थितियों से गुजरता हुआ। अभी भी अगर देखा जाए तो एक बड़ा ओवर अगर मिलता है यहां से ईस्टर्न ब्लूज को तो वो मैच में वापसी कर पाएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम। तो 13 गेंद में 50 रन, एफर्ट लगाना होगा बल्लेबाजों को। हल्के हाथों से खेल लिया था, हवा में गेंद थी, एक रन लिया, दूसरे के लिए दौड़ना नहीं चाहेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में अब चाहिए 49 रन और जैसे ही आगे का ओवर आएगा हमारे साथी कमेंटेटर आपके साथ जुड़े रहेंगे। शिवनारायण सर आपको आगे आंखों का आगे का आंखों देखा सुनाएंगे। शिवनारायण सर ಉಡುಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಯುಪಿಎಲ್ ಏಳನೇ ದರದ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 49 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Balls 49 runs, 12 deliveries 49 runs. Yes, sir. Keep on Anil. Ball shot on the third. Ball is back to Ashutosh Kshetrakshan. Kora can bar tie that. One not the hit area sir. Pada. Hundred runs at the 40th guri. Big hit the stop is back again. Dega gula. Capture United. Pandar dalib. Balls to capture Marco tie that. Itar madhu tamar te ando. ಎಸೆತ ಹುದ್ದರೆ ಆಘಾತ, ಆರಿಫ್ ಮುಖನ ಹುದ್ದರೆ ನೆಲ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತ 48 ಗುರಿ, 10 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 48 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಬಾರಿಯಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಲೈಸ್ ದೊಹಕತ. Sabarias won the chance selected to field first. Next match. Mother Pandardali, Siddhi Vinayaka Gowa, Ivatina Madala, Jayavana Dakalisitu. Yoda Pandardali, our green, Udupi, Chachala Jayavana Dakalisida, Iga Morena Pandata, Anti Mahanta the Libertad. Pratidina Belige, Elegant Pandata Gramavagi. 12 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮರದ ಎಸೆತ, ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೊಟ್ಟೆ ಡೆಲಿವರಿ. 9 ಎಸೆತ 48 ಗುರಿ, 9 balls 48 runs. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮರದ ಹೊಡೆತ, ಮಿದುಕಿಟ್ಟು ಬಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್, 8 ಎಸೆತ 42 ಗುರಿ,
उडुपि प्रीमियर लीग साक्ता इदे सादिक कापु नेतृत्व पंदकूट आरु तंड आरु दिन इपत्तु तंड हणाहणि नल्वत्तक्कू मिक्किद पंद्याट सावरारु प्रेक्षकरु ई मैदान सत्त वीक्षकरादरे लक्षांतर मंदि प्रेक्षकरु मनेयल्लि टीवि ट्यून माडि ई पंद्याटद नोडु एल्ल अवकाशगळु कूड इदे डन सेट अप बॉक्स हाकिदल्लि 7 for 7 आल ओवर कर्नाटक कूड ई पंद्याटद वीक्षिसुव अवकाश कूड इदे अदे रीति अंतर्जालदल्लि कूड पंद्याट नोडुव अवकाश बहुत व्यवस्थित पंदकूट इतना साकता है मत ऐसा चंडूद सेर्पड़ा कंकोता है बहुमुखी सेर्पड़ मुक्त ओवर संख्य ओवर नंबर 9 कंप्लीटेड स्कोर 89 इमरान कोनेसतर बाकी ई सिक्सर ओडद्रु कूड़ा क्याचर जयव दाखल केवल सोल नर मात्र कड़े ईस्टर्न ब्लूज के निन्े उडुपि एमएलए प्रमोद मधुराज मुख्यवा उद्घाटन तूट यशस्वी साता है सिटी बॉयज केरल आरंभिक पंद्यादल्लि सिद्धिविनायक गोवन्न अडिमेलु माडुत्तु मोदल फलितांशदल्लि विशेषते कंडुकोळ्तु मत्तोंदु उद्धार आघातवन्नु काणुत्ता इदे ईस्टर्न ब्लूस उड़पी मंगलूर परिसर आटगार ईस्टर्न ब्लूस सोलन मुख मार्ता है जीशान सुजीत रोलेस रीतिया इम्रान आरिफ अंत उदयोन्मुख आटगार वैफल्य कंकोता बहुत शिक्षा कोने हंत सोल अंतर तग्स्ता एडने गरिष्ठ मत तल प्रयत्न आशीर् बर केकोत आशीर् नम कमेंट्री बॉक्स हत बर विनती मत आघात